नमस्कार मेरे किसान भाइयों, बहुत ही बड़ा ट्रैक्टर है महिंद्रा 655 नोवो और ये अर्जुन है ट्रैक्टर, फोर व्हील ड्राइव में है और इसमें जो है लोडर का काम चल रहा है, लोडर लगाएगा इस पर अब। और बहुत ही बेहतरीन ट्रैक्टर है मेरे भाइयों अपनी श्रेणी का। आप इस ट्रैक्टर के जो है फैन ही हो जाओगे। चार सिलेंडर में आता है, 65 हॉर्स पावर और इस ट्रैक्टर में इतनी क्षमता है कि 2200 किलो की इसकी 2200 किलो की लिफ्टिंग कैपेसिटी है और अपने समान ट्रैक्टर को उठा लेता है ये। बात की जाए तो एपिसाइक्लिक रिडक्शन के साथ आता है ये और मेरे बहुत से भाई कहते हैं कि ये आवाज़ करता है एपिसाइक्लिक होने की वजह से। कोई भी ट्रैक्टर जिसमें एपिसाइक्लिक है तो भाई ऐसा नहीं होता। जब प्लानिटरी गेयरबॉक्स या एपिसाइक्लिक कह सकते हैं तो जब घूमेगा आवाज़ तो करेगा ही। इसमें अभी लोडर का काम चल रहा है और मैं श्री शिव शक्ति मोटर के गोडाउन में हूँ, ये देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन टॉप मॉडल है ये, डुअल क्लच में आता है और 15 फॉरवर्ड 3 रिवर्स स्पीड गेयरबॉक्स है, सिंक्रोमैस गेयरबॉक्स है इसका जो गाड़ियों में आता है, प्लस सफल शटल के साथ है ये। जितनी मतलब चाल आप आगे करोगे उतनी पीछे हो जाएगी जिस गियर में हो सकती है। और ये देख सकते हैं आप, ये लिख रहा है यहाँ पे फॉरवर्ड और रिवर्स, ये शटल सफल होता है। बात की जाए तो बहुत ही बेहतरीन, मतलब एक गाड़ी जैसी अनुभव आता है इस ट्रैक्टर में। हैंड रेस्ट भी मिलता है आपको साइड में और PTO की आपको मेरे भाइयों रिवर्स भी मिलती है, 540 ERPM वाली भी मिलती है और डायरेक्ट 540 भी मिलती है। बहुत ही बढ़िया ट्रैक्टर और इसकी जो पेंट क्वालिटी है वो काफ़ी बढ़िया है। इसकी पेंट स्कीम 605 DII नोवो से भी फ़र्क है थोड़ी सी और इस ट्रैक्टर के जो एवरेज है काफ़ी बढ़िया है। अगर आप मीडियम के दूसरे में चला रहे हो तो आराम से हैरो पर आराम से 20-25 बीघे निकाल देता है घंटे में और उसमें 6.5 से 7 लीटर तेल लेगा, कुछ भी इसका खर्चा नहीं है। बिल्कुल गाड़ी की तरह मेरे भाइयों देख सकते हैं आप, इंजन इसका ये देखिए, चार सिलेंडर का जो है मेरे भाइयों, सस्पेंडेड पैडल आते हैं जैसे गाड़ियों कहते हैं और बहुत ही लाइट वेट एक तरीके से अनुभव होता है जब दबाते हैं ऑपरेशन में। और डबल क्लच है और 4x4 है सारे के सारे, मतलब चारों टायर जोड़ लगाते हैं इसके जो है। बहुत ही बढ़िया एक तरीके से ग्रिप बनती है ट्रैक्टर की जब खेत में हो। 16 और 28 के पिछले टायर हैं और अगले हैं मेरे भाइयों 9-24 के होंगे आसपास, हाँ देख सकते हैं 9.5-24 के हैं। और ट्रैक्टर मेरे भाइयों अपनी श्रेणी का ज़बरदस्त ट्रैक्टर है, पावर स्टीयरिंग तो इनमें आती ही है। और बात की जाए PTO पावर की तो लगभग 55 से 57 हॉर्स पावर की जो इसकी PTO पावर है और 3700 CC के करीब इसका इंजन है, मतलब इसकी जो लुक है वो अलग ही है, बहुत ही अलग है लुक इसकी। तो जैसे भी मेरे भाइयों वीडियो आपको लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल किसी किसान भाई ने आपको सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दें। तो धन्यवाद मेरे भाइयों और कमेंट सेक्शन में जाकर आप बता सकते हैं आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। इसकी जो सीट है वो भी एडजस्टेबल है और एक दमदार ट्रैक्टर है एवरेज के मामले में भी और लोड उठाने के मामले में भी। 4x4 का बहुत फ़ायदा होता है, इसकी जो पावर है चारों टायर में डिवाइड होती है 25-25% और डिफरेंशियल लोग अगर कोई एक टायर फंस जाता है तो 3 में डिवाइड हो जाती है, अगर 2 अगले फंस जाते हैं तो पिछलों में हो जाती है। तो मतलब ऐसा नहीं है कोई ना कोई टायर वर्क में होता है। और 4x2 में क्या होता है कि अगर एक टायर पे लोड आ गया है, एक टायर रुक गया है तो सारी की सारी एक टायर पे चली जाती है डिफरेंशियल लोग की वजह से, डिफरेंशियल की वजह से। तो इसका ये फ़ायदा है, पावर बटी रहती है और चलता रहता है। तो धन्यवाद।